क्या मिला तुमको मेरे इश्क का चर्चा करके, क्या मिला तुमको मेरे इश्क का चर्चा करके, तुम भी रुसवा हुए आखिर मुझे रुसवा करके। बताइए, अब जब उनके नाम के साथ आपका नाम भी जुड़ा हुआ है, वन वे और दी अदर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और इसी पर है आज उर्दू नामा का ये एपिसोड, जिसमें ऐसी ही निकली हुई बातों का शायर पे क्या असर होता है उसकी हम बात करेंगे। लफ्ज है रुसवाई। द क्विंट पर उर्दू नामा का एक और एपिसोड लेकर मैं फबीहा सैयद आ गई हूँ। रुसवाई यानी बदनामी, डिसग्रेस यानी वो शोहरत जो बुरी हो, यानी अगर अफेयर स्टार्ट होता है तब भी रुसवाई का एक एलिमेंट रहता है शायरी में। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हमारे पोइट्स के वर्ल्ड में उनके लव अफेयर से इतनी प्रॉब्लम दुनिया को नहीं होती है जितनी उनके ब्रेकअप से होती है। सो इट क्रिएट्स क्वाइट अ स्टर इन देयर सर्कल्स, राइट? सो पोएट्री असाइड, रियल लाइफ गॉसिप्स का यही उसूल होता है कि अफेयर्स का पता तब चलता है जब ब्रेकअप की खबरें उड़ने लगती हैं। ओ, इनका ब्रेकअप हो गया, अफेयर कब था? लेकिन बदनामी जरूरी नहीं कि इश्क मोहब्बत के केसेस में ही हो। इंसान के बदनाम होने की कई सारी वजह हो सकती हैं। वो पैसा नहीं कमाते, अरे वो तो बड़े खराब मिजाज की हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, अरे उनको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, अरे उनके पास बैठा नहीं जा सकता है, बदबू आती रहती, पता नहीं नहाए कब थे आखिरी बार। भाई उनकी तो बात ही मत करिए, हर चीज का बहाना है उनके पास। नहीं यार, अगर वो दावत में आएंगे ना तो मैं नहीं आऊंगी, बहुत जोर जोर से और बहुत तेज रफ्तार से बोलती हैं, सर में दर्द हो जाता है। देखा आपने, दुनिया कितनी खराब है, बदनाम करने के बहाने ढूंढ ही लेती है। नॉन इश्यूज को बिग इश्यूज बनाकर बदनाम कर देती है, और ये सब करने में दुनिया माहिर है। और वैसे भी जब किसी इंसान की इस तरह की क्वालिटीज उसकी बुरी शोहरत की जिम्मेदार बन जाएं और उस इंसान को आइसोलेट कर दें, तो फिर अहमद नदीम कासमी का ये शेर बिल्कुल सही लगता है। सारी दुनिया हमें पहचानती है, सारी दुनिया हमें पहचानती है, कोई हम सभी न तन्हा होगा। या फिर इंसान अपने एम्बिशन का पीछा करते करते कुछ लोगों के डिसप्लेजर का सबब बन जाता है, तो वो बेबाकी उसकी रीजन बन जाती है उसकी रुसवाई की। इसे असद बदायूनी ने अपने शेर में बड़े अच्छे से समझाया है। लिखते हैं, मेरी रुसवाई के असबाब हैं मेरे अंदर, असबाब यानी रिसोर्सेस, रीजंस। मेरी रुसवाई के असबाब हैं मेरे अंदर, आदमी हूं सो बहुत ख्वाब हैं मेरे अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी नागवार गुजरने वाले काम करने के बाद भी लोगों के निशाने पे नहीं आते हैं। कहने का मकसद ये है कि बड़ी से बड़ी वो अपसेट करने वाली बात कर जाते हैं, ऑफेंड करने वाली, लेकिन कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। वहीं उसी स्पेस में कुछ लोग, अगर उनसे हल्की सी भी कोताही हो जाती है तो उन्हें झंडे पे चढ़ा दिया जाता है। इस तरह की इनइक्वालिटी और इस तरह का पावर स्ट्रगल बहुत सारी जगहों पे मिलता है देखने के लिए। ऑफिस में बड़ी कॉमन सी बात है, फैमिली सर्कल्स में भी बहुत आपको मिलेंगी इस तरह के एग्जांपल्स। अकबर इलाहाबादी ने इसी सिचुएशन को अपने एक शेर में बड़ी खूबसूरती से आर्टिकुलेटली कहा है। लिखते हैं, नहीं इतनी आसानी से नहीं सुनाऊंगी शेर, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ये शेर सुनाती हूँ। ओके, तो अकबर इलाहाबादी के जिस माइंड ब्लोइंग शेर की मैं बात कर रही थी वो है ये। लिखते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ऑफिस में एक सीनियर उठते बैठते आपको बुली करे,
कोई हु नहीं करेगा, लेकिन जहां आप एक आवाज उसके खिलाफ उठाएंगे वहीं आपको खामोश करने कई लोग दौड़ के आएंगे। फैमिलीज में भी यही होता है, एक अब्यूजिव रिलेटिव सालों तक मीठी मीठी बातें करके मैनिपुलेट करते रहते हैं, फिर बाद में जब आपको अकल आती है कि ओ मेरे साथ ये सब हो चुका है, तब समझ आता है कि भाई हम तो वाकई में उल्लू बन चुके हैं। और फिर जब उनके रवैये पर आप अपनी नागवारी का इजहार करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भाई गलत किया आपने, तब आपको बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं वो गैसलाइट कर देते हैं, नहीं भाई नहीं, तुमने गलत समझ रहे हो, इतने सालों तक तो कभी तुम ऐसे बोले नहीं, अब वक्त गुजर गया है तो अब देखो तुम्हें क्या क्या चीजें याद आ रही, भूल जाओ चलो। या फिर इस तरह की भी तल्ख बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी कि भाई तुम तो ना बस हर चीज में बेएतमादी दिखाते रहना, यकीन करना सीखो लोगों पर, नेगेटिविटी मत फैलाया करो, ऐसा करो कि लोग मिलने से परहेज करेंगे। ये क्या बात हुई, ऑथेंटिक सेल्फ की हम बात करते हैं, ये अपना ऑथेंटिक सेल्फ अगर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हमको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। खैर आई एम टेलिंग यू, प्यार मोहब्बत में धोखा ट्रॉमा सारे दुख पहुंचने आपको सारी चीजें हैं, उसकी दुख तकलीफ है अपनी जगह, लेकिन फैमिली के दिए गए जो ग्रीफ होते हैं ना वो अलग ही लेवल पे आपको ट्रॉमा हिट करता है। इसीलिए आज रुसवाई का जो लेसर इविल सोर्स है हम उस पर बात करेंगे, दैट ऑफ कोर्स इज लव, लड़का लड़की वाला लव। यस, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये एक खौफ रहता है लवर्स के दिलों में, इसीलिए अपने अफेयर्स को हर मुमकिन कोशिशें करके अंडर द रैप्स रखते हैं। लेकिन जब रिश्ता टूटता है तब जाहिर सी बात है पोल भी खुल जाती है, ढके राज फाश हो जाते हैं। कफील आजार अमरोहवी की आप ये नज्म सुनिए, इसका नाम है अंदेशा, और बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत नज्म है। लिखते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो, जगमगाते हुए लम्हों से गुरेजा क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, फिर कहेंगे कि हंसी में भी खफा होती हैं, अब तो रूही की नमाजें भी कजा होती हैं। लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, इनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मोहब्बत में रुसवाई पर अहमद मुश्ताक का ये शेर भी आप सुनिए, इसमें या तो शायर ये कह रहा है कि मेरी रेप्यूटेशन पहले से ही फ्लर्टेशियस आदमी की है, एंड नाउ मीटिंग यू हैज ओनली प्रॉम्प्टेड माय इनफेमस स्टेटस टू गो फ्रॉम वन हाई टू अनदर। लिखते हैं, खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे लेकिन, खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे लेकिन, तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को, खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे लेकिन, तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। राहत इंदौरी ये भी मोहब्बत में बदनाम होने को एक वायलेंट तसव्वुर से पेंट कर चुके हैं कि महबूब से मिलने जब जब वो जाते रहे, उसके मोहल्ले में लोग पत्थर मारते रहे। लिखते हैं कि अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। अब ब्रेकअप पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आता है अर्जु लखनवी के शेर से, कहते हैं कि दफतन तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है, दफतन तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, यानी उलझे हुए रिश्तों में से एक ही झटके से नहीं निकलना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब तक ऐसे रिश्तों को आप खुद सुलझाने की कोशिश खुद नहीं करेंगे, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर रिश्ता कितना उलझा हुआ है। और क्योंकि रुसवाई के कॉन्सेप्ट में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है, समाज है तो रुसवा होंगे, मतलब यही एक
अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी बदनामी, आपका नाम बद तभी होगा जब चार लोग आपको वैलिडेट करेंगे या इनवैलिडेट करेंगे, अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। तो समाज का बड़ा, बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए पहला मिसरा एक्सप्लेन्स दैट पॉइंट कि दफ़तन तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है कि अगर आप एकदम अचानक से अपना ताल्लुक तोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। खैर, पोएट्री असाइड, लोग क्या कहेंगे इज अ वेरी रबिश आइडिया। टॉक्सिक रिश्तों में फंसे मत रहिए सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। जिंदगी एक ही बार मिलती है, देखिए कुफराने नेमत हो जाता है, यानी नेमत को अगर आप ठुकराते हैं, नेमत की कदर नहीं करते हैं तो वो भी कुफ्र है, गुनाह है बहुत बड़ा। तो कुफराने नेमत अगर आप करते रहेंगे कि जिंदगी की कदर नहीं करेंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है जुल्म को सहते रहना, याद रखिएगा। खैर, इस हैवी से टॉपिक के बाद ट्रांजिशन करते हैं, थोड़े हल्के टॉपिक पे आते हैं। गुलजार साहब की भीनी भीनी खुशबू वाली 3D में ऑडियो विजुअल पोएट्री आपको सुनाएंगे। हमको तो सच में वाकई ऐसा लगता है कि जब भी गुलजार साहब कुछ लिखते हैं वो पढ़ते पढ़ते आप महसूस करने लगते हैं। अगर वो पानी के छपाकों की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी कुछ बूंदें आपके चेहरे पे आ रही हैं। अगर वो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ की बात करेंगे तो वो ऐसा तस्वीर बन जाएगा उनके वर्ड्स से, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, आप भी कहीं ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पत्ते हिल रहे हैं और धीमी धीमी जो हवा है आपके चेहरे को छू रही है। स्टार्ट फीलिंग ऑल दैट ऑन योर स्किन, ऑन योर फेस। इसीलिए मैं कहती हूँ 3D में ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस लेना हो तो गुलजार साहब की पोएट्री आप ज़रूर सुनिए। तो वही करते हैं कि गुलजार साहब का एक शेर बहुत देर से मैं चाह रही थी कि आपको सुनाऊँ। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि शायर के पास्ट में जो बदनामी अपनी मोहब्बत की वजह से उसे फेस करनी पड़ी, उसका ख्याल भी उसे बड़ा ही कम्फर्ट देता है। हाउ? लिखते हैं, यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, सौंधी सौंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी। माजी यानी पास्ट, एंड ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। और जो जिस ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही थी वो आपको कायदे से तभी होगा जब पूरी की पूरी गज़ल मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। तो सुना दूँ? ठीक है, शुरू से सुनाती हूँ। लिखते हैं कि कांच के पीछे चांद भी था और कांच के ऊपर काई भी, कांच के पीछे चांद भी था और कांच के ऊपर काई भी, तीनों थे हम वो भी थे और मैं भी था तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, सौंधी सौंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी। दो दो शक्लें दिखती हैं इस बहके से आईने में, मेरे साथ चला आया है आपका एक सौदाई भी। कितनी जल्दी मैली करता है पोशाके रोज फलक, कितनी जल्दी मैली करता है पोशाके रोज फलक, सुबह ही रात उतारी थी और शाम को शब पहनाई भी। खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी, उनकी बात सुनी भी हमने अपनी बात सुनाई भी। कल साहिल पर लेटे लेटे कितनी सारी बातें की, आपका हुंकार आना आया चांद ने बात कराई भी। अब परवीन शाकिर का आपको एक शेर सुनाऊंगी मैं। ईगो का दखल रुसवाई ना होने देने से कैसे जुड़ा हुआ है, वो बता रही हैं। लिख रही हैं कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। Why should I let the world know that I have been dumped? कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी बताने की। लेकिन जो इस कदर आपकी कमर तोड़ दे, हिम्मत तोड़ दे, हड्डियां तोड़ दे, वही तो असल मोहब्बत होती है। मतलब देखा जाए तो लव इश्क इन स्पिरिट, इसी का ही तो नाम है, तकलीफ का, डिसप्लेजर का। ख्वाजा मीर दर्द ने
कितना सही गया ना मोहब्बत के बारे में कि अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। सी देखिए, आई डोंट नो द काइंड ऑफ लव दैट यू आर आफ्टर। आई मीन अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी इंसान को परस्यू कर रहे हैं, सो यू नो इट बेटर। आई विल नेवर मोटिवेट और डिस्करेज यू फ्रॉम डूइंग सो। दे कुड बी इमोशनली अनअवेलेबल और मैरिड और टॉक्सिक, और हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो। तो मेरा उस लिहाज से आपको किसी भी तरह की सजेशंस देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक किस्म की मोहब्बत है जिसके पीछे मैं कहूँगी हाथ धो के पड़ जाइए, वो है मोहब्बत खुद के लिए। और सेल्फ लव का सबसे सबसे बड़ी और बहुत ही ऊंची एक्सप्रेशन है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आप सेल्फ डिसिप्लिन अगर इख्तियार करते हैं तो यकीन मानिए वो आप अपने लिए कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। शायद एहसास ना हो, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू रियलाइज इट कि सेल्फ लव सारे जितने भी मोहब्बतों की कस्में हैं उनसे बहुत ऊँचा है, बहुत ऊपर है। क्योंकि खुद ही और खुदा, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं शायरी में, और इश्क का बहुत ही हाई एक्सप्रेशन इन दो इश्क में आपको मिलेगा। सो इफ इट्स ऑल अबाउट लव, सेल्फ लव, देन प्लीज, रुसवाई भी अगर हो रही है आपको अपने किसी काम के लिए, होने दीजिए, आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि बोरिंग सी लाइफ को जायकेदार कैसे बनाया जाए। सोच के रखिएगा, अगले हफ्ते बात करते हैं, ठीक है? ख्याल रखें, खुदा हाफिज। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब, मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक बिजिया ऐ शमा, तेरा परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।